नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ आचार्य मनीष जी हैं जिनको हम लोग रोज़ टीवी पे देखते हैं। मैं तो देखता ही हूँ और गुरुजी से ही मैं पूछूंगा जो आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो पेशेंट हैं सर। मैं चाहूँगा कि आप पेशेंट की जुबानी पेशेंट सुनिए कि इनको क्या तकलीफ थी, डॉक्टर ने क्या बोला था और कैसे हमारे आयुर्वेद के द्वारा कितनी जल्दी ठीक हुए, खुद बताएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध झा है। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला से, और गांव में ही था मैं ये जून में। तो हमारी वाइफ के पैर बहुत मोटे हो गए, हाथी के पैर की तरह से, अब फूलता ही चला गया जैसे बैलून फूलता जाता है। अपने आप लगा कि अब ये फटने ही वाला है। जल्दी से मैं जहाज़ पकड़ के आ गया दिल्ली, सारे डॉक्टरों ने देखा, तब तक फट भी चुका था। सब ने कहा कि इसको पैर ही कटेंगे, गैंग्रीन हो गया था। जी, गैंग्रीन। तो हमारे जो अपने तो हमारे जो विश्वसनीय डॉक्टर थे, वो रांची अपोलो में है, बड़े ऊंचे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी कहा था कि इसमें डॉक्टर लोग टेस्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक सरा हुआ है, वहाँ तक हटेगा ही, क्योंकि अंग्रेजी दवाई अंग्रेजी वालों की पढ़ाई ही यही है। तो मैं विश्वस्त हो गया, अब तो पैर ही कटेगा। ऐसे में डॉक्टर विश्वरूप राय से मैंने संपर्क किया। इन्होंने कहा कि आप 7 दिन के अंदर में ठीक कर लोगे, अगर DIP डाइट, सूरज की रोशनी लगाओगे और पैर नहीं लटकाएगी, 7 बजे शाम से पहले खा लेगी, 7 दिन में ठीक हो जाएगी। और अंत में सब कुछ छोड़ दिया, मलहम पट्टी सब कुछ छोड़ दिया, इनके डाइट पर मैं 7 दिन रही। 7वें दिन में 100% ठीक हो गई। 428 शुगर था, वो मात्र 83 पर आ गई। शुगर भी इतना कम हो गया, मात्र 83 पर, और 100% पैर, जैसे दाहिना पैर वैसे बायां पैर हो गया, बराबर हाथी पैर जैसा जो था वो मनुष्य का पैर बन गया। और जो फटा हुआ है, मेरे जेबी में फ़ोन है, इस फ़ोन में आप देख सकते हैं, वो सारे फोटो है। 16 महीना ठीक हो गई। मैं विश्वरूप जी को आज प्रणाम करने आया हूँ। उम्र से मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं क्यों प्रणाम करूँ, लेकिन प्रणाम इसलिए किया कि ये भगवान के अवतार हैं, ज़रूर भगवान के अवतार हैं, कि संसार को ये अपना DIP डाइट बता रहे हैं और सब स्वस्थ हो रहे हैं। DIP डाइट जो आप बता रहे हैं, तो क्या आपने पूरे परिवार में उसको आप लोग हमारे परिवार में ये चलता है जी। DIP डाइट हमारा बेसिक सिस्टम है, जिससे शरीर के अंदर की क्लीनिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, रिजनरेटिंग होती है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। उस डाइट के माध्यम से जब हम काम करते हैं ना, उस डाइट के माध्यम से जब हम पेशेंट को कोई सलाह देते हैं ना, और जब उसको कोई फॉलो करता है, तो उसको रिजल्ट अपने आप आता है। बीमारी कोई भी हो, शुगर हो, BP हो, जोड़ों का दर्द हो, लीवर ख़राब हो, किडनी फेल हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर आप इस डाइट को अपनाते हो और साथ में पंचकर्मा थेरेपीज को अपनाते हो, तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। आप देख ही रहे हो, हमारे यहाँ किडनी डायलिसिस बंद हो रहा है, हमारे यहाँ माइग्रेन के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, हमारे यहाँ लीवर फेल के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो मैं देश की जनता को यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ खाना पीना ठीक कर लो तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और खाना पीना ठीक होगा तो दवाई चलती भी होगी तो भी बंद हो जाएगी। आचार्य जी, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग आपको सुन रहे थे मिलेट्स के बारे में, तो मिलेट्स का ज्ञान सब लोग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो होता है कि आप आटा लेते हैं, उसमें वो बोल देते हैं चक्की वाले की ये MP का आटा है, तो वो 60-70 रुपये किलो होता है। एक बार मेरे को उन्होंने, मैंने कहा 1 किलो आटा दे दो, वो दे दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है, मेरे को तो 30 रुपये दीजिए पंजाब वाला। तो उन्होंने कहा नहीं अग्रवाल जी, आप तो, मुझे मालूम है कहाँ से आए हैं आप, तो 300 रुपये का किलो क्यों नहीं खा रहे। तो जो बाज़ार में चक्की वाले भी हैं वो भी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सर मिलेट्स के बारे में बताइए। देखिए, अनाज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो जो गेहूं और चावल हैं, ये नेगेटिव मिलेट्स हैं, क्योंकि इसमें गेहूं में 1.2%, चावल में सिर्फ 0.2% फाइबर होता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। मक्की, इनमें 4%, 3% फाइबर होता है। 5 तरह के मिलेट्स हैं, जैसे ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, कंगनी, कोदरा जो मैंने बताया था, गुरु नानक देव जी ने खाया, तो 5 तरह के स्वांख, ये 5 तरह के मिलेट्स हैं, पॉजिटिव मिलेट, जिनमें 9 से 12% फाइबर होता है। फाइबर की संरचना स्पाइरल शेप में होती है, तो पूरा दिन बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है, जिससे कि शुगर कंट्रोल भी हो जाती है, BP कंट्रोल हो जाता है, और आपकी बॉडी में एकदम ब्लड में ग्लूकोज रिलीज नहीं होता। तो मिलेट्स जो हैं
हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और गेहूं चावल बीमार रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप बीमार रहना चाहते हैं तो गेहूं चावल खाइए, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मिलेट्स खाइए। और दूसरा सर, वो प्रोसेस फूड्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोग आजकल, हम लोग भी, मैं भी कभी कभी जैसे नूडल्स बना ले रहे हैं, एक आसान होता है, और हम सोचते हैं वेजिटेबल नूडल्स खा ली तो वो शायद, मुझे लगता है उसमें सिर्फ वो भी प्रोसेस्ड ही होता है क्योंकि उसमें जो मसाला मेकर, तो उसकी जगह क्या चीज़ खाएँ सर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो पैकेट से आ रही है, फैक्ट्री से आ रही है, तो वो इंसान के लिए तो नहीं है। जानवर को इतनी अकल है क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस इंसान ही आज तक ढूंढ रहा है कि मुझे क्या खाना है। तो ये तो जो पैकेट्स के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जैसे सिगरेट के ऊपर छपा होता है, शराब के ऊपर छपा होता है, स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है, सेहतमंद छपा होता है ना, खतरनाक नहीं, तो वरना लोग क्यों खाते हैं? ये बताएंगे जी सर, क्या बता रहे हैं, क्या छपा होता है? सर वो तो कैंसर के लिए, कैंसर के लिए होता है कि अगर इसमें अगर आप यूज करेंगे तो पूरा बीमारी है और उसमें बच नहीं पाएंगे। तो उसमें साफ से लिखा हुआ रहता है उसमें, लेकिन वही है कि पैकेट में अगर रहता है तो हम, अगर उसमें नहीं लिखा रहता है लेकिन पैकेट बंद रहता है तो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसान देंगे, क्योंकि जो भी पैकेट सील रहता है वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल है वही जो हमारा हरा साग सब्जी जो भी है, जो हमें दिख रहा है, जो आज और कल यूज करते हैं, वही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सही। सर, जो लोग अभी ऑलरेडी पीपल हु आर टेकिंग ऑल दिस यू नो टॉक्सिक फूड, मैं बोल रहा हूँ जैसे उसमें बोलते हैं, तो उसमें उनको क्या तरीका है, क्या कि वो नेचुरोपैथी सेंटर जाएं, क्या वो सोना बात लें, या ये पोस्टुरल थेरेपी जो आप लोग ने पिछली बार भी डेमोंस्ट्रेट किया था, जिसमें कोई डायबिटिक या किडनी जिनकी ख़राब है वो उसको लेटाते हैं कुछ एंगल डिग्री पे, तो क्या नॉर्मल आदमी भी ये सब कर सकता है? नॉर्मल आदमी सब कुछ कर सकता है, बस आप संपर्क कर लीजिए। पूरे भारत में हमारे लगभग 150 सेंटर्स हैं, तो दिल्ली में भी, दिल्ली NCR में भी 14 सेंटर है। तो जाकर मिलकर डॉक्टर से बैठकर 1-to-1 अपना डाइट चार्ट बनवाओ, 1-to-1 भी बीमारी की जड़ पर काम करो, जड़ पे काम करो। और अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी है तो हमारा चंडीगढ़ और दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पे संपर्क करो। राइट सर, धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार।